सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके साथ हिंदी की कक्षा में पाठ एक हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और पाठ देखिए, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। देखिए, इस पाठ में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य क्या, पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है और हमें इसलिए कभी भी किसी को भी किसी जानवर को सताना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। देखिए, कठिन शब्द है हमारे। सभी लोग ध्यान से देखिए, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के अर्थात खुली आकाश में बिना बंधन के घूमने वाले, पिंजर बंद ना गा पाएंगे अर्थात पिंजरे में बंद होकर इतने अच्छे से गा नहीं पाएंगे जो हम खुले आकाश में और चिड़ियों के साथ गाते हैं और खुश रहते हैं। कनक तिल्लियों से टकराकर अर्थात जब आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो पिंजरे की जो सोने की तिल्लियां होंगी उनसे टकराकर हमारी सारे पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे अर्थात पुलकित जो हमें रोमांच पैदा करती हैं, जो हमें प्रसन्न करती हैं, खुशी देती हैं, वह पंख हमारे टूट जाएंगे। आगे की चार लाइन देखिए बच्चों, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें चिड़िया कहती है कि हम बहता जल पीने वाले अर्थात जब हम आकाश में स्वच्छंद घूमते हैं, विचरण करते हैं, उड़ते हैं, तो हमें जब प्यास लगती है, जब हमारी इच्छा होती है, तो हम बहता हुआ जल अर्थात नदियों की कलकल करती हुई जल या झरने का पानी पीने वाले हैं। जब आप हमें बंद कर दोगे तो हम पिंजरे में भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक निबोरी कटुकनी बोरी कड़वा नीम का फल। चिड़िया कहती है कि हम आकाश में घूमते हुए कड़वे नीम के फल भी खाना पसंद करते हैं। कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी अर्थात सोने का कटोरी। कनक कटोरी अर्थात सोने की कटोरी। चिड़िया कहती है कि आप यदि हमें बंद करके पिंजरे में रखकर और कनक की कटोरी सोने की कटोरी में मैदा खिलाते हो तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें तो स्वतंत्र आकाश में घूमते हुए और विचरण करते हुए कड़वे नीम के फल भी खाना अच्छा लगता है। इस कविता में कवि ने मूल रूप से लोगों से यह प्रार्थना की है कि कभी भी किसी भी पक्षी को बंदी ना बनाया जाए, किसी भी चिड़ियों को पिंजरे में बंद ना किया जाए। क्यों? क्योंकि चिड़िया अपनी स्वतंत्रता खोने के बाद बहुत दुखी होती हैं, किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है। देखिए बच्चों, हमें आगे की जो लाइनें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित कार्य आपके वेबसाइट पे दिए जाएंगे जो आप अपनी कॉपी में अंकित करेंगे। धन्यवाद।